नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये है इस देश के सो कॉल्ड शुभचिंतक, जिन्हें ऐसा लगता है कि इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है और इनका ये भी मानना है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर एक डिक्टेटर हैं। तो चलिए इन्हें जवाब देते हैं और थोड़ा समझाते हैं। वो क्या है ना कि थोड़े ब्लाइंड है, क्योंकि इन्हें सिर्फ एक ही साइड का दिखता है और वो भी सिर्फ हिंदू और मोदी जी। पहले इनके आरोप देखिए। भारत में जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है, और खास करके उन्होंने जो उसके सिम्टम्स बताए हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, मीडिया अब स्वतंत्र नहीं रहा, गवर्नर जो है वो राज्यों में जाकर अपने ढंग से मनमानी करते हैं, राज्यों के अधिकार सीमित किए जा रहे हैं और राज्यों के फाइनेंशियल राइट्स भी लिमिट किए जा रहे हैं। तो ये उन्होंने 5-7 सिम्टम्स बताए हैं जिसके आधार पर वो भारत को डिक्टेटरशिप बताते हैं। जब देश के अपोजिट पार्टी के लीडर से घोटाले काले चिट्ठे सामने आते हैं, तब इन्हें लगता है कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। जब उन्हें अरेस्ट किया जाता है, तब इन्हें लगता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। जब ईडी के छापे किसी पार्टी के लीडर के यहाँ पड़ते हैं, तब इन्हें लगता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। जब देश में किसी भी अपोजिट पार्टी के लीडर पर उन्हीं की काली करतूतों के आरोप लगाए जाते हैं, तब इन्हें लगता है कि इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। क्यों? सही कहा ना? और सवाल तो ये है कि डेमोक्रेसी अभी क्यों मर रही है? इतने टाइम से कहाँ थे ये? अचानक से डेमोक्रेसी की इतनी चिंता कैसे होने लगी इन्हें? कभी कभी तो लगता है कि इन्हें फंडिंग देकर वीडियो बनवाए जाते हैं। सबसे पहले इन्हें ये बताना जरूरी है कि डेमोक्रेसी होती क्या है, क्योंकि वो क्या है ना कि एक साथ कई टॉपिक्स के एक्सपर्ट हैं और हिंदू बीजेपी से तो इतना डरते हैं कि हो सकता है भूल गए हो कि डेमोक्रेसी होती क्या है। पूरे एशिया में भारत की 19वीं रैंक है चुनावी लोकतंत्र के मामले में। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता द्वारा शासन, और होता भी यही है। आज अगर हमारे देश में बीजेपी सरकार लीड कर रही है तो इस जनता की वजह से ही हुआ है, क्योंकि हर किसी ने बीजेपी को चुना है। लेकिन ये इतने डंब है कि इसे भी गलत साबित कर सकते हैं। डेमोक्रेसी के बेसिकली चार पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और प्रेस। लेजिस्लेचर यानी वो ग्रुप्स ऑफ पीपल जिनके पास ये अथॉरिटी है जो अपने देश में लॉज बना सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट का वो हिस्सा होता है जो लॉज को इन्फॉर्म करता है, और इनके ऊपर पूरे स्टेट और कंट्री को गवर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और इस ग्रुप में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। अब जिन्हें लगता है कि हमारे देश में जो भी होता है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो इस पॉइंट से उनके दिमाग के जाले साफ हो जाएंगे। तीसरा पिलर है जुडिशरी, डेमोक्रेसी का वो पार्ट जिसमें गुनहगार को सजा और निर्दोष को न्याय मिलता है, यानी कि कोर्ट, अदालत, और इस ग्रुप में जजेस शामिल होते हैं। और अगर आज सीएम केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं, तो ये डेमोक्रेसी तो है, पर क्या है ना कि यहाँ कुछ लोगों को डेमोक्रेसी नहीं दिखेगी क्योंकि अंधे हैं बेचारे। और चौथा और आखिरी पिलर है मीडिया, जिसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको ये बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है वही ये काम करते हैं। अब मेन पॉइंट ये है कि जो कंट्री डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करती उन कंट्री में डिक्टेटरशिप फॉलो की जाती है, यानी तानाशाही। अब जितनी आसानी से इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेटर बताया, तो हमारे इनसे एक सवाल है कि जो देश डेमोक्रेसी फॉलो कर रहा है वहाँ का लीडर डिक्टेटर कैसे? लगता है ये किसी चीज के अंधभक्त है। अगर किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप यानी वहाँ लैक ऑफ अपोजिशन और सप्रेशन ऑफ अपोजिशन है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 8 नेशनल पार्टीज, 55 स्टेट लेवल पार्टीज और 2600 अलग अलग लेवल की पार्टीज हैं। यहाँ वैरायटीज में पार्टीज अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, आपको क्या लगता है नॉर्थ कोरिया में किसी अपोजिट पार्टी के लीडर्स ऐसे बयान दे सकते हैं? अगर मोदी जी डिक्टेटर होते तो बहुत ही बेकार डिक्टेटर है, क्योंकि आज ही के टाइम में 14 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में नॉन बीजेपी सरकार है। इंडिया के पार्लियामेंट में 226 से ज्यादा नॉन बीजेपी एमपीज हैं, 1500 से ज्यादा नॉन बीजेपी एमएलएस। और इतना ही नहीं, जब से बीजेपी पावर में आई है ये कई बार स्टेट इलेक्शन हारी है। तो फिर सवाल ये है कि कैसे डिक्टेटर है? अब डिक्टेटरशिप का दूसरा पॉइंट होता है पॉलिटिकल वायलेंस अगेंस्ट अपोजिशन। और अगर यही डिक्टेटरशिप चल रही होती तो इंडिया में पिछले 15 सालों में केरल में 60 ज्यादा आरएसएस के वर्कर्स मारे जाते हैं। क्या कश्मीर में रेगुलर हिंदुओं को टारगेट करके मारा जाता? और अगर डिक्टेटरशिप होती तो क्या अकॉर्डिंग टू अमित शाह बंगाल में पिछले कुछ सालों में 300 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स मारे जाते? 52 लोगों की हत्या, 52 पीपल हैड डाइड इन द असेंबली इलेक्शंस। और अगर मोदी जी सच में डिक्टेटर होते तो क्या वो महीनों तक एक या दो स्टेट के फार्मर को नेशनल कैपिटल टेरिटरी को घेर कर ब्लॉक करने देते हैं? ये कैसे डिक्टेटर हैं यार? और अगर मोदी जी डिक्टेटर होते तो ये हमारे शुभचिंतक सलाखों के पीछे होते हैं, क्योंकि शायद भूल गए कि एक डिक्टेटर कैसा होता है। और अब तो हमारा भी इनसे एक सवाल है कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, डिक्टेटरशिप आ रही है, तो ये देश के लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों इतना होने के बाद भी इस देश का हर नागरिक बीजेपी को सपोर्ट करता है? इस बात से तो ये लगता है कि हमारे शुभचिंतक किसी अपोजिट पार्टी के मेंबर लगते हैं, क्योंकि वो क्या है ना कि इन्हें हिंदू और देश के अच्छे लोगों से बड़ी प्रॉब्लम होती है, तभी अपनी वीडियो लेकर आ जाते हैं, जिस वीडियोस में फैक्ट्स और डेटा तो होता है लेकिन बेसिक्स और कॉमन सेंस की कमी रहती है। नमस्कार दोस्तों, हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ऐसी वीडियो से दूर रहें। बेवकूफ चीजों को देखकर इंसान बेवकूफ बन जाता है, तो अपना टाइम सही नॉलेज और सही सच के पीछे इन्वेस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको असली सच पता चलता रहे।